दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब खैरियत से हो रहे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई, डंकी के फैंस, खुशियां मनाओ। पहले भी मना रहे थे, अब और मनाओ। सलार ख़त्म हो चुकी है भाई, अब नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता सलार। ये लोगों ने जैसे ही वो उग्र मूवी को Z5 से, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म थे, सबसे हटाया, चैनल से हटाया, इंटरनेट से हटा दिया। उस टाइम लोगों को कन्फर्म हो गया था कि जो सलार है वो उग्रम का ही रीमेक है। अगर वो रीमेक नहीं है तो पढ़े लेने दो ना, तुम लोगों के क्या उल्टा पैसे आ रहे हैं, मौजें करो। लेकिन नहीं, हमें क्यों मौजें करें, हमें तो मज़ा आ रहा है, हमने तो बताना है कि जी हमारी तो फिल्म है ही कॉपी। तो कॉपी थी तो उग्रम को हटाया ना, अगर कॉपी ना होती तो क्यों हटाते? लोग देखते उसको, फिर लोग सलार को देखते और फिर गालियाँ देते, जो कह रहे थे कि ये कॉपी है, ये कॉपी है। मुझे भी गालियाँ पड़ती, मैंने भी बोला है वो कॉपी है। तो भाई, ये कॉपी के चक्कर में ना, कॉपी पेस्ट के चक्कर में अब सलार हो गई है पोस्टपोन, ये नहीं अब आने वाली। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे सबको पता चल गया कि कॉपी है। फिर उन्होंने बात की होगी प्रशांत नील से कि भाई हमें तो बताओ ये कॉपी है या नहीं है, तो उसने बोला होगा कि ये कॉपी है। तो फिर कॉपी तो आप लोगों को पता है, अगर लोग पहले वो वाली फिल्म देख लें तो फिर तो कॉपी पिट जाती है। अब लोगों ने 100% देख लिया है उग्रम। मैंने भी नहीं देखी थी पहले, मैंने तो नाम ही पहली दफ़ा सुना था, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये सलार की कॉपी है और सलार इसकी कॉपी है, तो भाई मैं तो टक से पहुंचा, मैंने तो खुद देख ली, अच्छी मूवी थी। लेकिन जब एक कुछ मूवी आप देख लेते हो ना, फिर उसको जो मर्जी करे वो अच्छी लगती नहीं है। बंदा कहता नहीं यार, उस पहले बंदे ने अच्छी की थी। फिर बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला भाई हम डंकी से क्लैश करने वाले नहीं हैं, आप लोगों ने करना है तो हमारा पैसा हमें दे दो और जाओ जिसके साथ मर्जी क्लैश करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमसे पैसा लेना है, हमसे डिस्ट्रीब्यूट करवानी है, तो इसको होल्ड पे रखो, 2024 में लेकर चलते हैं, अभी हम लोग इसको नहीं करने वाले। तो भाई लोग, मैंने तो आपको पहली वीडियो में बोला था कि मुझे लगता ही नहीं है कि इस सलार का और डंकी का कभी क्लैश होगा। लेकिन अब जब कॉपी कॉपी हो गया है, तो मेरे कॉपी को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। तो अब जब कॉपी कॉपी हर जगह भी हो गई है, तो फिर भी मैं इनको बोलूँगा कि इनकी शामत आने से बच गई है, ये लोग बच गए हैं डंकी से क्लैश करने से। अगर डंकी से क्लैश करते, ऊपर से ये कॉपी निकलती, और फिर तो आप लोगों को पता है कॉपी मूवी का क्या हशर हो रहा है आजकल। लोग गुस्सा आ जाते हैं, अच्छी भी वो लोग नहीं देखते, कहते भाड़ में जाए हम क्यों देखें यार कॉपी, तो पहले देखिए फिर दोबारा जाए क्यों देखें, 500 रुपया 200 रुपया लगा के तो हमें कुछ नया दिखाओ ना, पहले पैसे हैं नहीं, तो फिर ऊपर से कॉपी के पैसे कौन जाके भरेगा। तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि डेली की आने वाली अपडेट्स मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँ। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।